बाजरा की फसल को समर्थन मूल्य पर केंद्रों से खरीद करने की घोषणा के बाद बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। किसान जब केंद्र पर जाते हैं तब केंद्र से शासन के निर्देश का बहाना लेकर लौटा दिया जा रहा है। किसान को अपने रबी फसल के लिए खाद, बीज, दवाई, सिंचाई के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में किसान को अपना बाजरा बाजार में बेचना पड़ रहा है। आपको बता दें कि खरीद केंद्रों में समर्थन मूल्य पर बाजरा नहीं लेने के लिए किसानों को बाजरे की क्वालिटी का हवाला दिया जा रहा है। किसानों में बाजरा की खरीद को लेकर भारी गुस्सा है। मामले में किसान नेताओं ने कहा कि जल्द ही खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य खरीदी शुरू नहीं की गई तो जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस समस्या को लेकर सैकड़ों किसानों ने जिलाधीश के नाम ज्ञापन दिया और 3 दिन में खरीद शुरू नहीं करने पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होने की चेतावनी दी। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जौरा के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह उर्फ चिंटू, कलासरस अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दुबे, किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़ सहित अन्य कार्यकर्ता एवं सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहयोग से किसानों के साथ में हमने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन में हमने मांग की है कि जो बाजरा खरीदी समय पर होनी चाहिए थी वो समय पर चालू नहीं की गई है, इसकी खरीदी समय पर चालू की जाए। अगर समय पर चालू नहीं होगी तो हम लोग किसानों के साथ धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और बाजरा की टोलियां भर के लाएंगे, वो तहसील प्रांगण में ही डाल देंगे। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। लेकिन खरीद केंद्र में जाने के बाद उनका बाजरा नहीं खरीदा जाता है तो उस किसान पर क्या बीतती है। दूसरी बात, अभी तक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारा बाजरा नहीं खरीदा। आपने हमारा बाजरा पहले से खरीदते आए हैं और आपको खरीदना पड़ेगा। जो आप उसको खराब बता रहे हैं तो ये तो बेमौसम बरसात से है, ये तो ईश्वर का वो है। हम तो कह रहे हैं भगवान, आप हमारे किसान भगवान नहीं, हम तो आपको भगवान मान रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारा बाजरा खरीदें। अगर आपने नहीं खरीदा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो बाजरा खरीद केंद्र बनाई गई है, जो हमारे किसानों ने जो बाजरा किया है उनके लिए मैसेज जाने के बाद भी उनका बाजरा उन केंद्रों पर खरीदा नहीं जा रहा है। उनको वहाँ से ये कह के लौटा दिया जाता है कि आपके बाजरा की क्वालिटी सही नहीं है। और इस तरह से किसान जो है बाजरा बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं और यहाँ पर इस वजह से वो इकट्ठे हुए हैं। शासन जिलाधीश महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पर बाजरा खरीद केंद्र शुरू किए जाएं। और दूसरे जो मानक की जो बात कहते हैं तो फिर ये वाली बात तो बताएं कि उनका क्या निर्देश है, कितने परसेंटेज पर नुकसान है, कितना नहीं है, उसके लिए भी वो नहीं ये बताते कि इतने परसेंटेज इनका बाजरा ख़राब है।